स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल नासा एकेडमी में। लास्ट के वीडियोस में मैंने बताया था स्नो ऑप्शन, अब मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ सुपर स्प्रे, जो कि डायनामिक्स का पार्ट है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से चेंज करना होगा पार्टिकल सिस्टम में, देन यहाँ पर ऑप्शन है सुपर स्प्रे का, जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड ट्रैक। ये एकदम बिल्कुल स्नो के जैसा है, लेकिन स्नो जो था जितना हमारा एमिटर था वो पूरे एमिटर में से स्नो जो थी वो जनरेट हो रही थी। लेकिन पीएफ सोर्स में क्या है कि स्ट्रेट, ये जो है यहाँ से स्ट्रेट एकदम निकलेगा। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि हमारे फायर क्रैकर्स, और अब इनके ऊपर हम फोर्सेस भी लगा सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, जैसे कि ग्रेविटी, विंड और बहुत सारे फोर्सेस हैं नेचुरल फोर्सेस जो हम लगा सकते हैं। और पीएफ सोर्स से हम बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफाई पैनल में गए और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। यह मैं नॉर्मली प्ले करके दिखाती हूँ। ये क्या हुआ कि ये स्ट्रेट एकदम लाइन में निकले, जनरेट हुए। तो ये जो है ये हमारा एमिटर है, एमिटर और जनरेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑफ एक्सिस, कि मतलब अभी जो है ये स्ट्रेट जा रहे हैं, और ये डिग्रीज़ में वैल्यूज हैं। तो जितनी डिग्री आप अबव करोगे वो उतनी एंगल पे वो रोटेट हो जाएगा। लाइक 44 किया, 44 के एंगल पे। वन एट्टी में डायरेक्ट नीचे। ये तो था कि राइट साइड टर्न हुआ, अगर हमें लेफ्ट साइड में जाना है तो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में चली जाएंगी। लेफ्ट साइड जाना है तो वैल्यूज नेगेटिव, राइट साइड में टर्न करना है तो वैल्यूज पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट क्या स्प्रेड, कि अभी जो है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अगर मैं इनकी वैल्यूज बढ़ा दूँ तो वो रैंडम जाएंगे एक तरफ, लेकिन कैसे जा रहे हैं वो। नेक्स्ट है हमारा आइकन का साइज, आइकन इज द एमिटर, कि एमिटर जो है हमारा हाइड्रोजन, एमिटर जो है वो नॉन रेंडरेबल है, वो रेंडरेबल रेंडर में नहीं विजिबल होता। अब व्यू पोर्ट में है तो हमें कैसा दिखने चाहिए, डॉट्स में, मैश और टेक्स्ट चाहिए, डॉट्स चाहिए, किस वे में चाहिए आपको। नेक्स्ट है पार्टिकल का रेट और टोटल यूज़। पार्टिकल रेट इन द सेंस कि जो पार्टिकल जनरेट हो रहा है वो किस रेट में हो, किस परसेंटेज के हिसाब से हो, और टोटल मतलब 100 काउंट, 102, ये काउंटिंग्स हैं। इसमें भी वही सब है, पार्टिकल जनरेट हो रहा है रेट के हिसाब से हो रहा है कि 10 एवरेज निकल के आ रहा है। तो उसमें जो स्प्रेड है कि स्प्रेड कैसे होंगे पार्टिकल्स बढ़ाया तो कहाँ तक ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। इसमें भी वेरिएशन रैंडमनेस है। अब नेक्स्ट है पार्टिकल की टाइमिंग। एमिटेंस का मतलब मैंने बता दिया जनरेट, कि पार्टिकल्स जनरेट, ये सब जो वैल्यूज़ हैं फ्रेम्स के अकॉर्डिंग है कि एमिटर जो है स्टार्ट कब हो, कि जो लाइफ है हमारे जनरेटर की वो कब स्टार्ट हो। ज़ीरो फ्रेम अगर मैं इसको सेट कर दूँ कि 10 फ्रेम पर, तो देखो कि 10 फ्रेम तक एक भी हमारा पार्टिकल कोई जनरेट नहीं हुआ, 10 फ्रेम से होना स्टार्ट हुए। नेक्स्ट है एमिटर स्टॉप, जनरेट होना जो हमारा लास्ट जो है वो 30 पे, ये वाला जनरेट हुआ, उसके बाद कोई पार्टिकल जनरेट नहीं हुआ। अगर मैं इसको कर दूँ 50, तो हमारा पार्टिकल कब तक जनरेट होगा, 50 फ्रेम्स तक।
तो ये वाला जो हमारा पार्टिकल है, ये वाला, इसके बाद और कोई जनरेट नहीं हो रहा। डिस्प्ले 100, कितने फ्रेम्स तक विजिबल हो, मैं कर देती हूँ उसको 70। तो 50 फ्रेम तक वो लास्ट लाइफ है, लास्ट पार्टिकल निकल के जा रहा है, लेकिन वो विजिबल सारे कब तक हो, 70 फ्रेम्स तक। देखो 70 फ्रेम्स के बाद एक भी पार्टिकल हमारा नहीं नज़र आ रहा। लास्ट है लाइफ, जो एक पार्टिकल है वो जिंदा कब तक रह रहा है, 30 फ्रेम्स तक। जो एक पार्टिकल निकला है वो 30 फ्रेम्स तक रह रहा है। अब मैंने बताया था कि लेकिन इसमें एमिटेंस जो पार्टिकल जनरेट हो रहा है वो 50 लास्ट पे हो रहा है, लेकिन उसकी लाइफ 30 फ्रेम्स है, तो कितने फ्रेम्स तक दिखना चाहिए, 80 फ्रेम्स तक, लेकिन मैंने डिस्प्ले अनटिल कब तक कर दिया, 70 फ्रेम्स तक। और लाइफ अगर मैं कर दूँ 10 फ्रेम्स कि एक पार्टिकल जो है वो 10 फ्रेम्स तक जिएगा, और उसके बाद वो तो 10 फ्रेम पर एक पार्टिकल निकला जो ये वाला था, वो कितने फ्रेम्स तक जिएगा, 10 फ्रेम्स तक। ट्वेंटी के बाद वो तो ये तो 70 से पहले ही विजिबल होना कम हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ जो थी वो कम थी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो पार्टिकल्स की लाइफ वगैरह जनरेशन वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो जैसे क्रैकर्स हैं, तो क्रैकर्स में लास्ट वाला जो है वो कब निकला, कहाँ तक ऊपर पहुँचा, और जैसे स्काई शॉट्स होते हैं 10-50 जो लगातार होते हैं तो वो सीधा गए फिर वो आसमान में जाके फूटते हैं, तो वैसे आप लाइफ जो है इनकी कंट्रोल कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल का साइज़ वेरिएशन, जो हमारा पार्टिकल है उसका साइज़ क्या हो। व्यू पॉइंट पे इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन रेंडम में हमें पता लग रहा कि जैसे ही साइज़ बढ़ाया तो कितने ज़्यादा बड़े हो गए वो, अब हमारा रेंडर भी टाइम लेने लग गया। ये पार्टिकल्स के जनरेट होने का वेरिएशन बता रहा है कि कितने रेट के हिसाब से वेरिएशन हो, स्ट्रेट ना जाए, रैंडम वाइज जनरेट हो। अब ग्रो फॉर एंड फेड फॉर, कि मतलब स्टार्टिंग में ग्रो करते हुए और जैसे फेड एंड देन फेड आउट होता है, तो वैसे ही ग्रो फॉर एंड फेड हो रहा है। जैसे कि अगर ओपेसिटी वगैरह हम देखते हैं तो वो 100% ओपेसिटी मतलब कि हमें फुल दिख रहा है, तो ग्रो फोर में जैसे कि अगर हमने यहाँ 10 लिया है तो ये परसेंटेज के हिसाब से है, तो ग्रो फोर इन द सेंस की स्टार्टिंग और फेड फोर मतलब एंड। तो जब पार्टिकल जनरेट हो रहा है तो 10% उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी स्टार्टिंग में, और फेड फोर में करेंगे तो लास्ट के 10% की ओपेसिटी उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ से जो है बिल्कुल लाइट लाइट दिख रहे हैं और यहाँ पर एकदम डार्क दिख रहे हैं, कि मतलब जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने उनकी ग्रो फॉर्म में कर दी ओपेसिटी 80% का, और अगर मैं फेड फॉर्म में करूँ तो फेड फॉर एंड कहाँ पर हो रहे हैं हमारे पार्टिकल्स, यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ओपेसिटी है वो ज़्यादा और धीरे धीरे जाके कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट है यूनिकनेस सीड वैल्यूज़, कि कुछ यहाँ पर रैंडम प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं, अगर आप अपने क्रिएट करना चाहो तो आप अपने भी क्रिएट कर सकते हो। देखो रैंडम वाइज ये क्रिएट हो रहे हैं अपने आप, कुछ प्रीसेट्स हैं यहाँ पर, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्टिकल के टाइप, कि आपको पार्टिकल कैसे चाहिए, क्यूब में, ये यहाँ पर जो है वो डॉट्स ही दिखेंगे आप को, रेंडर में ही अलग दिखेंगे कि लाइक क्यूब्स में, टेट्रा में, तो ट्राइंगल्स फॉर्म में आपको वो दिखने शुरू हो गए, सिक्स पॉइंट, तो सिक्स पॉइंट्स में आपको दिखने शुरू हो गए, ये सब रेंडर में दिखेंगे, लेकिन व्यूपोर्ट में आपको सिर्फ डॉट्स ही दिखेंगे। यहाँ पर आपके पास और भी प्रीसेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रेल किया तो यहीं पर ही, जैसे छोटा
क्रैकर्स में, लाइक अनार टाइप हो गया या फूलझड़ी के ऊपर हो गया। तो आप भी इन ऑप्शंस को ट्राई करना, जो समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर सकूं। और नेक्स्ट और आगे वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी कि क्रैकर्स आप इसको यूज़ करते हुए आप क्रैकर्स कैसे बना सकते हो।